आइए श्याम प्रेमियों, आज एक ऐसे भगत की कहानी सुनाते हैं जो अपने व्यापार में इतना लीन था कि उसे दिन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसे सिर्फ पैसा पैसा और सिर्फ पैसे के बारे में चिंता थी। उसके घर वाले, उसके परिवार वाले सारे परेशान थे कि सेठ कभी कहीं नहीं जाता, सुबह से लेकर रात तक हर समय पैसे में ही लिपटा रहता है। बहुत दिनों से उसके इष्ट मित्र उसे कहते थे कि तुम हमारे साथ कहीं चलो, अपने बच्चों को लेकर चलो, लेकिन सेठ कहता, इसके लिए काफी समय पड़ा है, अभी मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन एक दिन कुछ मित्रों ने बहुत जोर दिया कि 2 दिन की छुट्टियां हैं, हम खाटू श्याम जी के दरबार में जा रहे हैं, पूरे परिवार को साथ लेकर हमारे साथ चलो। और सेठ उनको ये बात मना नहीं कर पाया और बिना मन के वो उन परिवार वालों और इष्ट मित्रों के साथ खाटू के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर वो अपने व्यापार की बातें करता रहा। उसे खाटू जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब खाटू पहुंचा और बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचा और जब बाबा से नजरें मिली, उसके होश उड़ गए। सेठ के परिवार वाले सारे दर्शन करके बाहर आ गए। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए मंदिर में आया, लेकिन घंटों तक बाबा के दरबार में खड़ा रह गया। उसको होश नहीं रहा और वो बाबा की तरफ देखकर आंखें बंद करके आंसुओं की धार बहती रही और वो बाबा से मन ही मन बातें करता रहा। जब परिवार वालों ने उसे कहा कि अब चलना है, तो सेठ ने बाबा से कहा, प्रभु मुझे अब हर महीने 11 को अपने दरबार में बुलाओ। और ये कह करके वो बाबा के दरबार से वापस अपने घर को आ गया। 15 दिन बाद 11 आई। सेठ बहुत से लोगों को लेकर अपने साथ बाबा के दरबार में गया। ऐसे हर 11 को वो खाटू जाने लगे। लेकिन एक दिन जैसे ही वो सुबह 11 को घर से निकलने लगा, मुनीम ने कहा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, अरे मुनीम तुझे पता नहीं, आज 11 है, मुझे खाटू धाम जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको पता नहीं, आज बाहर के कुछ व्यापारी आने वाले हैं, लाखों का सौदा होने वाला है और वो व्यापारी आज रात को वापस इंडिया के बाहर चले जाएंगे। आपके पास तो मौका है, आप 11 की जगह मावस को खाटू चले जाना। सेठ के मन में ये आया कि हाँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है, आज यहाँ व्यापार कर लेता हूँ, सौदा कर लेता हूँ, मैं खाटू मावस को चला जाऊँगा। और सेठ उस दिन खाटू नहीं जा पाया। 11 निकल गई, मावस आई, मावस को फिर कोई व्यापारी आ गया। उसके बाद फिर पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आ गया। और इसी तरह सेठ व्यापार में फिर उलझ गया। एक दिन रात को सेठ सोया तो उसके नींदों में उसे ऐसा आभास हुआ कि उसे कोई आवाज आ रही है और उसने बड़े ध्यान से सुना। उसे लगा खाटू वाले श्याम बाबा उसे कह रहे हैं, वाह रे सेठ, मैंने तो सोचा था कि मेरे दरबार में कोई बहुत बड़ा भूला भटका भगत आया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि कोई भगत नहीं, एक सौदागर आया है और मुझसे सौदा करके चला गया। आज तू अपने घर में, अपने व्यापार में खूब खुश है, तू वहीं पर खुश रहे। और ऐसा कहकर वो आवाज बंद हो गई। सेठ की आंखें खुली, उसके मन में ग्लानी हो गई। उसने सोचा कि मैं आज ही खाटू धाम जाऊंगा। और वो जैसे ही खाटू के लिए निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सेठ की दोनों टांगे रह गई। अब सेठ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया और उसके मन की मन में ही रह गई। सेठ बहुत तड़पता रहा। एक दिन सेठ अपने घर के दरवाजे पर बैठा, आंसू बहा रहा कि मेरा बुलावा क्यों नहीं आ रहा, मैंने इतनी बड़ी गलती करी, मुझे बाबा के दरबार से इतनी दूरी क्यों हो गई। इतने में उसके घर के सामने से एक डाकिया निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई और कहा, ए डाकिया, तुम तो कलकत्ता दिल्ली बम्बई भक्तों का संदेशा लेकर जाते हो, लोगों के चिट्ठियां पहुंचाते हो, आज मेरी एक चिट्ठी, मेरा एक संदेशा मेरे खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार में क्या पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, सेठ मैं तो आजकल खाली रहता हूँ, जब से इंटरनेट का जमाना आया है लोग ईमेल पर ही चैटिंग कर लेते हैं, बताओ तुम्हारा क्या संदेशा है और कहाँ पहुँचाना है। और ऐसे डाकिया ने सेठ से कहा और सेठ ने डाकिया से कहा। डाकिया जा रे, श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थार दर्शन न तरसे। डाकिया
किया जा रे। डाकिया ने कहा, सेठ आपका संदेशा तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आपका संदेशा पहुंचाना क्या है? जहां मुझे संदेशा पहुंचाना है वहां का ठिकाना क्या है? और डाकिया ने कहा, कौन से गांव थारो श्याम बस्यो है, इतनो माने बता दे सेवक रे। घर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो अनजान। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो अनजान। कैया श्याम सुहोसी मिलन, डाकिया जा सेठ ने कहा, डाकिया मैं तुझे जिस जगह का ठिकाना बता रहा हूँ वहाँ ऐसा दरबार है जहाँ जो एक बार जाता है वो वहीं का हो जाता है। उस दरबार की खासियत है जो वहाँ पर पहली बार जाता है उसके काम बन जाते हैं। सुन वहाँ का ठिकाना क्या है। खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया ड्योडी पर हनुमान बिराजे, सेवक चावर ढुलावे। बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। सज धज बैठो है श्याम सजन, डाकिया जा। डाकिया सेठ जी के यहाँ से निकल जाता है और वो खाटू धाम के लिए प्रस्थान करता है। धीरे धीरे वो खाटू पहुँचता है और खाटू पहुँचकर बाबा के मंदिर का पता करता है और मंदिर के नीचे पहुँचकर वो पहले प्रणाम करता है और बाबा के मंदिर की 13 सीढ़ी चढ़ता है और वो बाबा के सामने पहुंचकर बाबा की तरफ नहीं देखता। पहले अपने झोले में से वो सेठ की चिट्ठी निकालता है और चिट्ठी निकाल के पढ़ने लगता है। पहुँच गयो दर बार श्याम के, बोलन लाग्यो संदेशो। बाबा ओ बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। आखड़ लिया सू बरसी धार, चैया सावन की फुहार।
यह वचन डाकिया जा जो ही डाकिया ने सांवरे सेठ की तरफ देखा उसके होश उड़ गए, उसकी आंखें बंद हो गई, आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसको ऐसा महसूस हुआ सपने में जैसे कि कोई श्याम प्रभु सिंहासन से उतर कर आ गए, उसे अपने गले से लगा लिया और डाकिया से कहा, कैसे हो डाकिया? डाकिया प्रभु के चरणों में गिर गया, कहा, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, इतने वर्षों तक आपके दरबार नहीं पहुंचा, आज सेठ जी के कारण मैं आपके दरबार में पहुंच गया, अब मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझे अपनी शरण में रख लो। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे अपनी शरण में रखूंगा, लेकिन अभी तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना है। जिस सेठ ने तुझे ये संदेशा देकर भेजा है, अगर उसके पास मेरा जवाब नहीं गया तो वहाँ जीते जी मर जाएगा। तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे, वापसी संदेशा तू उस सेठ को जाकर दे दे। और बाबा ने कहा, कह दीजे तू जाए सेवक ने, तेरो बुलावो आसी सेवक रे, सबकी आस पुराऊं तो तू कहिया रह पासी, कदम डाकिया जा रे, संदेशो सेवक ने दीजे सेवकिया राह तेरी निरखे, संदेशो सेवक ने दीजे सेवकिया राह तेरी निरखे, सेवक संदेश न तरसे किया जा रे। डाकिया श्याम प्रभु के चरणों में प्रणाम करके वापस निकलता है और वो आधी रात को ही सेठ के शहर में आ जाता है। अब डाकिया को इतनी जल्दी थी कि उसने आधी रात नहीं देखी और उसने जाकर सेठ के दरवाजे की घंटी बजा दी। उस दिन सेठ के घर में कोई नहीं था, सेठ अकेला अपने बिस्तर पर पड़ा था। जैसे ही घंटी की आवाज आई उसको लगा कि बाबा का संदेशा आ गया, लेकिन सेठ मजबूर था, वो उठना चाहा लेकिन उठ नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक उसने जोरदार जयकार लगाई, हारे के सहारे की, और जैसे ही आवाज आई सेठ के घर में करिश्मा हो गया, सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया, दौड़ कर गया और उसने जाकर दरवाजा खोला, सामने देखा डाकिया खड़ा है। सेठ डाकिया के चरणों में गिर गया और कहने लगा, डाकिया जल्दी बताओ मेरे बाबा ने क्या संदेशा भिजवाया है। और डाकिया ने चिट्ठी निकाली और बाबा के भगत की चिट्ठी का संदेशा निकाल कर सेठ के हाथों में थमा दिया। सेठ ने जैसे ही चिट्ठी देखी वो झूम झूम कर नाच नाच कर गाने लगा, आ चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज, अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम
चिट्ठी आई है, ओ चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। सेठ ने वो चिट्ठी वापस डाकिया को थमा दी और कहा, डाकिया आप तो स्वयं बाबा से मिलकर आए हो, इसलिए बाबा का संदेशा अपने मुखारविंद से मुझे सुनाओ। सुन संदेशो सांवरिये को मनडो घणो हरसायो, बाबा बंध गया पाँव में घूघरिया सा, मन को मोरियो गायो, म्हारो श्याम बड़ो दिलदार हो जा किशन। आप सभी श्याम प्रेमियों से जो कभी खाटू नहीं गए, जिन्होंने बाबा का नाम सुना है और जिन्होंने नहीं सुना, उन सबसे निवेदन, जो कभी खाटू नहीं गए वो एक बार हमारे बाबा श्याम के दरबार में पहुंचिए। ये वो दरबार है जहां हारे हुए को जीत मिलती है, जहां लोग हार कर आते हैं लेकिन हार कर वापस नहीं जाते, जहां हर हारे का सहारा होता है, चाहे कैसा भी कोई क्यों ना आता हो, बाबा श्याम हर आने वाले को गले लगाता है, उसको काम पूर्ण करता है और उसे खुशहाल करके अपने घर को भेजता है। बोल खाटू नरेश की, बोल हारे के सहारे की।